अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जो है आप सब के लिए लाए हैं पठानी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। तो जल्दी से टाइम ज़ाया के बिना जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि जी ये नेक लाइन जो है ये हमने अटैच करना है, साथ ही साथ ये बॉर्डर है और ये लेस है जो कि हम जिससे हम अपने फ्रॉक में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपनी जो है टोटल लेंथ लेंगे कि जी हमारी फ्रॉक की जो है वो टोटल लेंथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप साइज़ नोट कर लेंगे, उसके बाद अपनी कटिंग को स्टार्ट करेंगे। और कटिंग के लिए हम सबसे पहले जो है अपनी अपर बॉडी का निकाल लेंगे, यानी अपनी फ्रॉक का जो अपर पार्ट है, जो बॉडी है, उसको निकाल लेंगे। 59 हमारी टोटल लेंथ है। 59 में से जो है आप अपनी बॉडी, आप जितनी भी रख रहे हैं, 14 रख रहे हैं, 15 इंचेस रख रहे हैं, आप उन्हें माइनस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो मीडियम साइज़ जो है रख रहे हैं अपनी फ्रॉक का, तो इसीलिए हमने जो अपनी बॉडी की मेजरमेंट रखी है, लेंथ रखी है, वो है 16.5। बॉडी की लेंथ वेथ लेने के बाद आप उसको कट कर लें पार्ट को, और अपने बॉडी को जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल शर्ट को कट करते हैं उसी तरीके से अपनी बॉडी को भी कट करेंगे। और अगर आपने हमारी जो है वो बेसिक शर्ट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है, बेसिक फ्रॉक की नहीं देखी है, तो ऊपर आपको जो है वो मेंशन कर दी जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। अब ये देखें कि हमने जो है अपनी बॉडी का फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिया। अब जो है हम इस अपनी बॉडी की जो है वो कटिंग कर लेंगे अपने अपर पार्ट की। सबसे पहले हम शोल्डर्स का जो है वो मार्किंग करेंगे, फिर हम आर्म होल की करेंगे, फिर बस्ट की करेंगे, चेस्ट की करेंगे, देन वेस्ट, और इसके बाद जो है हमारे जो अपर पार्ट की है वो कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो देखते हुए आप ये परेशान नहीं होएगा कि हमने ये जो बीच में अपनी शर्ट की मार्किंग करी है किस चीज़ की मार्किंग है। ये डार्ट की मार्किंग है, यानी जो फिटिंग की प्लेट्स आप लोग अक्सर देखते हैं शर्ट में, तो उसकी हमने मार्किंग करी है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। डार्ट का जो है, डार्ट आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो, तो उसकी हम जो है एक अलग सी वीडियो आप सबके लिए बना देंगे। अब हम अपने फ्रॉक के जो है वो लोअर बॉडी के मेजरमेंट निकाल लेंगे, यानी कि अपना घेरा निकाल लेंगे। घेरे की जो हम लेंथ, यानी जो लोअर बॉडी की जो हम लेंथ लेंगे वो है हमारी 44, यानी जब जो अब हम बॉडी के बाद नीचे वाली जो हमारा घेरा है, या आप कह लें जो लोअर पार्ट है हमारी फ्रॉक का, उसकी हम लेंथ लेंगे 44। और घेरा आप जितना हो सके आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर घेरा रखा है तकरीबन 60। अब ये देखें जी, ये हमारा हमने जो है अपनी पेटी भी रख दी, यानी अपर बॉडी रख के साथ ही नीचे लोअर बॉडी को मेजर कर लिया। और अब जो है हम कट करने वाले हैं अपनी स्लीव्स को। स्लीव्स की मेजरमेंट जो होती है नॉर्मली लेंथ रखी जाती है 18 से 19, और बाकी आपके ऊपर है कि आप उसकी कितनी लेंथ रखना चाहते हैं। इसकी भी मार्किंग आप उसी तरीके से करेंगे जैसे सिंपल एक बेसिक शर्ट की जाती है।
और इसको हमने जो है अपने सेंटर से कट कर लिया है स्लीव को, क्योंकि हमने ये कट वाली स्लीव्स बनाई हैं। अब ये जो हमारा नेक का पैच था, ये किस तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट पे जो है वो अटैच करेंगे वो आपको दिखाया जा रहा है। तो चले, कटिंग तो हो गई है कंप्लीट, अब हम स्टिचिंग के पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए भी हम सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट के उल्टी साइड पे, यानी ऑपोजिट साइड पे जो है हम इस नेक लाइन को इस तरह से अटैच करेंगे, अपने इस पैच को अटैच कर देंगे पहले। अपोजिट साइड पे पैच अटैच करने के बाद हमने इसको सीधा करा और अब हम इसके जो किनारी है इसके किनारी पे जो है हम स्टिच कर रहे हैं, ताकि ये इस तरह से बिल्कुल अटैच हो जाए। अब ये जो हमने डार्ट की मार्किंग की थी, फिटिंग प्लेट की जो मार्किंग की थी, हमने फिटिंग प्लेट भी ऐड कर दी। अब जो है हम अपने इस पैच की बाकी की जो साइड्स रह गई थी उनको स्टिच कर देते हैं। हमने अपना फ्रंट पार्ट तो रेडी कर दिया है, इस पर पैच जो है हमने अटैच कर दिया है। अब हम बैक पार्ट पे जो हमने ये डार्ट की मार्किंग की थी अपनी फिटिंग प्लेट्स की, उनको भी हमने स्टिच कर दिया है, यानी फिटिंग प्लेट्स ऐड कर दी हैं। अब हम बिल्कुल अपने बेसिक शर्ट की तरह जो है अपने बैक के नेक लाइन को कट करेंगे। बैक के नेक लाइन पे जो है अरे पट्टी वो हम अटैच करेंगे। नेक लाइन को करने के बाद हम अटैच कर देंगे शोल्डर्स, यानी अपने फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को आपस में अटैच कर देंगे। अब जो है वो स्टेज आ गया है कि हम जो है अपने अपर बॉडी के साथ लोअर बॉडी को अटैच करेंगे, यानी अपनी बॉडी के साथ जो है अपनी बेटी के साथ जो है वो लोअर पार्ट को जो है अटैच कर देंगे, पहले फ्रंट के साथ और फिर उसी तरीके से बैक के साथ। फ्रंट पे भी हमने इस तरीके से प्लेट्स ऐड की हैं। फ्रंट पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमने अपने बैक पे भी जो है वो लोअर बॉडी को अटैच कर दिया है और उसी तरीके से हमने प्लेट्स को ऐड किया है जिस तरह हमने अपने फ्रंट पार्ट पे ऐड की थी।
देख लीजिए, अब हमने लोअर बॉडी को अटैच कर दिया है अपनी अपर बॉडी के साथ। अब हम जो है अपनी फ्रॉक की साइड को स्टिच करेंगे। तो जी हमारी फ्रॉक की जो है वो दोनों साइड स्टिच हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेंगे। हमने जो है अपनी कट वाली स्लीव्स बनानी है, ओपन स्लीव्स बनानी है, तो हम 4 to 5 inch जो है वो स्टिच कर लेंगे। बाकी जो है हम अपना ओपन छोड़ देंगे स्लीव्स का, जो कि सेंटर से ओपन होगी, और उसको हम पर्ल्स के ज़रिए यानी मोती के ज़रिए जो है वो स्टिच कर देंगे, यानी उनको अटैच कर देंगे। अब हमने जो है अपनी स्लीव्स पे लेस भी अटैच करनी है, तो अब लेस कैसे अटैच करेंगे वो भी आप सब जो है देख लें इस वीडियो में। लेस अटैच करने के बाद जिस तरह हमने हम अपनी फ्रॉक की साइड्स को स्टिच करते हैं, उसी तरीके से अपनी स्लीव्स की साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे दोनों। और उनको स्टिच करने के बाद हम अपनी फ्रॉक के साथ जो है इन स्लीव्स को अटैच कर देंगे। डिटेल वीडियो हम आप सबके लिए बनाते हैं ताकि आप सबके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ जाते हैं, हमें जो डिलीट करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है, तो इस वजह से हमें कुछ जो पार्ट्स हैं उनको डिलीट करना पड़ जाता है। अगर आपको स्लीव्स लगाने का तरीका नहीं आता है तो आप हमारी बेसिक शर्ट वाली जो कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो है आप उसे जाकर हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमारे जो बैडर का बॉर्डर का जो पैच था उस पर हमने जो है लैस अटैच कर ली थी, अब हम इस बॉर्डर को जो है अपने घेरे पे स्टिच करेंगे।
एक साइड पे जो है वो हमने स्टिच कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट साइड पे यानी अपनी अगली साइड पे जो है वो स्टिच कर लेंगे और इस पूरे पैच को जो है अपने बॉर्डर पे अटैच कर देंगे। बॉर्डर फुली अटैच करने के बाद जो है ये हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक आपके सामने है। आप इसके नेक लाइन को देखें, इसकी स्लीव्स को देखिएगा आप। ये देखें, हमने मैंने जो आपको बताया था कि हमने ओपन स्लीव्स रखी हैं और ये फुल आप इसका घेर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो जी हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।